हाँ तो भैया आ जाओ सब दोबारा थे। तो हम 12th का हमारा बिलियन चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 2, ठीक है। उसको उसके बारे में मैंने तुम्हें बहुत सारी चीज़ों के बारे में बताया था। शुरुआत की बात करें तो बहुत सारे बिलियन के प्रकार बताए थे कि अवस्था के आधार पर कौन कौन से हैं, या समांगी और विषमांगी क्या होता है, और परासरण दाब क्या है, राउल्ट के नियम क्या हैं, आदर्श विलयन क्या होते हैं, अनादर्श विलयन क्या होते हैं, अणुसंख्यक गुणधर्म क्या होता है, उसमें भी क्वथनांक उन्नयन क्या है, हिमांक अवनमन क्या है, और परासरण और हिमांक अवनमन क्या है, आपेक्षिक अवनमन स्थान क्या होते हैं, वासुदाब में अवनमन क्या होता है, ये सब कुछ मैंने बता दिया था तुमको, ठीक है। तो अपना परासरण दाब पे विलयनों के प्रकार बता रहे थे, परासरण दाब पे क्या बता रहे थे, विलयनों के प्रकार पे चल रहे थे। और विलयनों के प्रकार में मैंने परासरण दाब के आधार पर विलयन के प्रकार में मैंने बताया था कि परासरण दाब के आधार पर विलयन तीन प्रकार के होते। कितने प्रकार के बताए मैंने? तीन प्रकार के बताए। होते हैं तीन प्रकार के बताए थे मैंने। और तीन प्रकार में कौन कौन सा बताया? पहला बताया था संपरासरी, ठीक। दूसरा बताया था अति पराशरी विलयन, ठीक है। और अगला बताया था अल्प पराशरी विलयन, ठीक है। इतने बताए थे, सम, अति और अल्प, सम, अति और अल्प। दोबारा सुन लो, सम, अति और अल्प, ठीक है। मैंने एक चीज बताई थी, जहां परासरण काम करेगा, क्या काम करेगा, परासरण काम करेगा, वहां निम्न सांद्रता से चीजें किधर जाएंगी? उच्च सांद्रता की ओर जाएंगी, निम्न से उच्च की ओर जाएंगी। और इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होगी। किसकी आवश्यकता होगी? ऊर्जा की आवश्यकता होगी। साथ में SPM का यूज किया जाएगा। साथ में किसका यूज करेंगे? SPM। SPM की फुल फॉर्म क्या बताई मैंने? सेमी परमियेबल मेम्ब्रेन, अर्ध पारगम्य झिल्ली। क्या बताई मैंने? अर्ध पारगम्य झिल्ली, ठीक है। संपराशरी विलयन में मैंने बताया था कि जब कोई विलयन, जब दो या दो से अधिक विलयन, या कोई विलयन, दो या दो से अधिक विलयन जिनमें परासरण दाब कैसा हो? समान हो। दोनों ही विलयनों में परासरण दाब कैसा हो? परासरण दाब कैसा हो? समान हो। परासरण दाब कैसा हो? समान हो, एक तब उसको बोलेंगे संपराशरी विलयन, ठीक है। अति पराशरी में बताया था कि अगर दो विलयन है तुम्हारे पास, क्या विलयन है? दो, ठीक है। दो विलयन है, एक विलयन ये है, एक विलयन ये है, बीच में तुमने अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा रखी है, जैसे ये लगा रखी है, ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इसको मान सकते हैं अर्धपारगम्य में झिल्ली लगा रखी है। तो जिसका परासरण दाब ज्यादा रहेगा, परासरण दाब ज्यादा होने की वजह से उसको बोलेंगे अति परासरी। मतलब दो विलयनों में जिसका परासरण दाब अधिक होता है उसको अति परासरी, और जिसका कम होता है उसको अल्प परासरी कहते हैं, अल्प परासरी कहते हैं, अति परासरी और अल्प परासरी कहते हैं, ठीक है। यहां तक हो गए, सुनो अब आगे। यदि कोई कोशिका समपराशरी विलयनों में डुबाई जाए, मतलब कोशिका में परासरण दाब और विलयन में परासरण दाब, दोनों का परासरण दाब अगर समान हो, तो कोशिका में किसी भी तरह का कोई भी फुलाव नहीं आएगा,
जो कोशिका है वो नहीं फूलेगी, कोशिका है वो नहीं फूलेगी, क्योंकि दोनों का ही परासरण दाब समान है। दाब समान होने की वजह से पदार्थों का जो भी तुम्हारा पानी है या कुछ भी है वो आपस में ट्रांसफर नहीं होंगे, और नहीं होने की वजह से कोशिका नहीं फूलेगी। एक बात, यदि ये अति परासरी विलयन में करें, किसमें करें, अति परासरी विलयन में करें, कि कोशिका में तो सांद्रता ज्यादा हो और जो तुम्हारा विलयन ले रखा है उसमें सांद्रता कम हो, तो इसमें जो कोशिका है वो संकुचित हो जाएगी। संकुचित हो जाएगी, संकुचित का मतलब रिंकल्ड आ जाएंगे उसमें, वो दब जाएगी, पिचक जाएगी। तो कोशिकाएं संकुचित हो जाएगी कब, जब अति परासरी विलयन हो, अति परासरण दाब किस में हो, कोशिका के भीतर। विलयन में तो हो कम लेकिन कोशिका में हो ज्यादा। अल्प की बात करें तो इसमें कोशिकाएं फूल जाती हैं, इसमें कोशिकाएं फूल जाती हैं, कोशिका क्या होंगी, फूल जाएंगी। ठीक है, सेम ऐसे ही तुम्हारी किताब में एक दे रखा है शोफ, क्या दे रखा है, शोफ, शोफ दे रखा है। शोफ क्या होता है, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ज्यादातर क्या करते हैं, नमक और नमकीन पदार्थों का या मीट वैसे चटकीले पदार्थों या मिर्ची वाले पदार्थों या ज़्यादा नमक की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, तो नमक की चीज़ें ज़्यादा खाने पर उनकी जो कोशिकाएं, शरीर के जो ऊतक हैं और जो कोशिकाएं, उनकी जो जल धारण क्षमता है, मतलब पानी को अब्जॉर्ब करने की क्षमता या कुछ भी उसको ग्रहण करने की क्षमता पानी को, वो बढ़ जाती है। पानी के ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है, बढ़ जाती है, और उस ग्रहण करने की क्षमता को बढ़ने के कारण, उस ग्रहण करने की क्षमता के बढ़ने के कारण क्या होता है, ग्रहण करने की क्षमता के बढ़ने के कारण उसकी जो कोशिकाओं में सूजन आती है, कोशिकाओं में जो सूजन आती है उसको ही बोलते हैं शोफ। उसको क्या बोला जाता है, शोफ बोला जाता है। अगर लिखा जाए तो कैसे लिखेंगे, ऐसे लिख लो, कैसे, समपरासरी विलयन में कोशिका, कोई कोशिका डुबा रहे, कोशिका के आकार में कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, कोई परिवर्तन नहीं, किसमें, इसमें। समपरासरी विलयन में कोशिका का आकार परिवर्तित नहीं होगा, ठीक है, इसमें कोशिका संकुचित हो जाती है, संकुचित हो जाएगी, और जब कोशिका संकुचित हो जाएगी तो कोशिका का जो जीव द्रव्य है, उसका जो जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म में, क्या है, जीव द्रव्य है साइटोप्लाज्म में, वो दब जाएगा, और कोशिका के दबने के बाद उसको बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन बोलेंगे उसको, जीव द्रव्य कुंचन कहा जाएगा। लिखेंगे कैसे, यदि कोशिकाओं को अति पराश्री विलयन में डुबोएं तो कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ जाता है, किसमें, पादप कोशिकाओं में। कोशिका कैसी होनी चाहिए, पादप कोशिका होनी चाहिए, कैसी कोशिका होनी चाहिए, पादप कोशिका। तो पादप कोशिका में जो जीव द्रव्य है वो सिकुड़ जाता है, केवल कोशिका भित्ति रहती है, जैसे ये पादप कोशिका बनाई तुमने, ठीक है, तो कोशिका भित्ति का तो आकार परिवर्तित नहीं होगा, उसकी जो सेल वॉल है वो तो चेंज नहीं होगी, लेकिन जो जीव द्रव्य इसमें चारों तरफ फैला था, जो जीव द्रव्य इसमें चारों तरफ फैला था वो चारों तरफ ना फैल के क्या हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, और सिकुड़ जाएगा यूं करके, उसमें छोटा होके सिकुड़ जाएगा, मतलब वो दब जाएगा। जहाँ इन दीवारों से टच जो जीव द्रव्य कर रहा था वो कोशिका मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ क्या हो जाता है, पिचक जाता है, दब जाता है, उसी को बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन, उसी को बोलेंगे जीव द्रव्य कुंचन। जीव द्रव्य कुंचन किसे कहते हैं, परिभाषा लिखनी हो तो कैसे लिखेंगे, पादप कोशिकाओं को जब अति पराशरी विलयन में डुबोया जाता है तो उनका जो जीव द्रव्य है वो कोशिका भित्ति से हटकर सिकुड़ जाता है, क्या होता है, कोशिका भित्ति से हटकर
सिकुड़ जाता है और उसी को बोलते हैं जीव द्रव्य कुंचन। एक बात, अगर अल्प पराशरी विलयन में डूबे, किसमें डूबे, अल्प पराशरी विलयन में डूबे, तो कोशिका फूल जाएगी, कोशिका फूल जाती है, कोशिका फूल जाती है, ठीक है। अब शोफ लिख लियो, शोफ क्या होता है, शोफ या सोफ, ऐसे लोग जो नमक या नमकीन खाद्य पदार्थों का सेवन अधिक मात्रा में करते हैं तो उनकी कोशिकाओं या ऊतकों की जल धारण क्षमता परासरण दाब के कारण बढ़ जाती है। जल धारण क्षमता परासरण दाब के कारण बढ़ जाती है, और जल धारण क्षमता बढ़ने से जो कोशिका है वो फूल जाएगी, और फूलने की वजह से उसको क्या बोला जाएगा फिर उसको उस जो बीमारी लगेगी उसको बोलेंगे शोफ, क्या कहेंगे उसको शोफ। दोबारा से पूरा ही कर देते हैं इसको। तो कोशिकाओं पर सूजन आ जाती है। इस अवस्था को शोफ कहा जाता है। दोबारा सुन लो, परासरण दाब के आधार पर विलयन थे तीन प्रकार के, सम अल्प और अति। सम परासरी में डालेंगे तो कोशिका पर कोई भी ज्यादा इफेक्ट नहीं आएगा, फूलेगी ना पिचकेगी, एक जैसी रहेगी, कि कोशिका के अंदर भी परासरण दाब समान है और विलयन में भी परासरण दाब समान है, ठीक है। तो यहां तो कोई अंतर नहीं आ रहा था, कोई अंतर नहीं आएगा, ठीक है। यदि अति में डालें तो अति परासरी मतलब कोशिका के बाहर तो परासरण दाब कम है और कोशिका के अंदर ज्यादा है, तो कोशिका संकुचित होगी या कोशिका फूलेगी। अब ये वाली जो कंडीशन है कोशिका फूलने वाली, जो आदमी नमक और नमकीन युक्त खाद्य पदार्थ ज्यादा खाते हैं उनकी जो कोशिकाएं हैं वो भी इसी कंडीशन के कारण क्या होती हैं, उन पर क्या आ जाती है, सूजन आ जाती है, और इसकी जो अवस्था है उसको बोला जाता है शोफ। उस अवस्था को क्या बोलते हैं, शोफ बोलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लो पहले, फिर बात करेंगे। ठीक है, हटा दूं।
अब बात करें पराशरण दाव के नियम। पराशरण दाव के नियम, तो तुमने एक नियम पढ़ा होगा आदर्श गैस समीकरण जिसको बोला जाता है, पहले उसको देख लो। आदर्श गैस समीकरण, ठीक है, ये तो उन्हें पढ़ा होगा 11 में। आदर्श गैस समीकरण होता है पीवी बराबर एन आर टी, पीवी बराबर एन आर टी, ठीक है। और जो पीवी बराबर एन आर टी है वो दो तीन नियमों से मिलकर बना है। जो पीवी बराबर एन आर टी है वो कितने नियमों से मिलकर बना है? दो तीन नियमों से, दो या तीन नियम उसमें आते हैं। कितने नियम आते हैं? दो या तीन नियम उसमें शामिल किए जाते हैं। पहला, जो दाव है प्रासरण, जो दाव है वो क्या है? वन अपॉन वी के प्रोपोर्शनल है, वन अपॉन वी के प्रोपोर्शनल है। और एक है जो प्रासरण दाव है वो प्रोपोर्शनल है किसके? टी के। दो नियम काम करते हैं ज्यादातर, तो दो नियम काम करते हैं। एक अवोगाद्रो थे, उन्होंने नियम दिया था कि गैसों के समान आयतन में, मतलब गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या भी कैसी होती है? समान होती है। तो V इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है? एन वी हो जाता है। V इज प्रोपोर्शनल एन वी हो जाता है। तो ये तीन बातें थी, क्या बात थी? तीन बात। तो इन तीनों बातों को लिख सकते हैं। पहले तो इन दोनों को लिख लो, पहले किन दोनों को लिख लो? इन दोनों को। तो P इज प्रोपोर्शनल टी अपॉन वी, टी अपॉन वी। या P को अगर इक्वल टू का साइन लाना है तो R कांस्टेंट लाना पड़ेगा, T अपॉन V, V का मल्टीप्लाई इधर कर दो। तो P इज इक्वल टू आर टी, इधर V भी कर सकते हैं आर टी, ठीक है, ये गल गया। अगर ये एक मोल के लिए, इसका मतलब एक मोल है, N का मतलब क्या है? एक मोल। अगर ये एक मोल के लिए जब तो कोई बात नहीं है, समीकरण ये रहेगा, ठीक है, तो समीकरण ये रहेगा। अगर इसको ज्यादा मोलों के लिए यूज करें तो हो जाता है पी वी बराबर एन आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। तो सेम ऐसा ही समीकरण, अब सुन लो क्या क्या है ये, ये दाब, ये आयतन, ये अणुओं की संख्या मोल में, ये गैस नियतांक, और ये तापमान। तापमान भी कौन सा? केल्विन वाला। तापमान भी कौन सा? केल्विन वाला लेंगे, और वो भी परम ताप के आधार पर। वो भी किसके आधार पर? परम ताप के आधार पर, ठीक है। अब सेम ऐसा ही समीकरण, सेम ऐसा ही समीकरण किसका होता है? अपराशरण दाब का भी ऐसा ही समीकरण प्राप्त होता है। उसमें कुछ वो है, अलग सिंबल्स का यूज करेंगे, वो तुम देख ले रहना और मैं बताता रहूंगा। तो उसमें पराशरण दाव के नियम, पराशरण दाव के नियम। तो पहला नियम है वांट ऑफ वॉल नियम, वांट ऑफ वॉल नियम लिखो चाहे मत लिखो, सीधा ही लिख लो। पाई इज प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी, पाई इज प्रोपोर्शनल वन अपॉन वी। एक दूसरा है पाई इज प्रोपोर्शनल टी। दो है तुम्हारे पास, एक तो ये वाला है और एक ये वाला है, ठीक है। अगर इसको समीकरण एक माने और इसको समीकरण दो माने, इसको एक माने और उसको दो माने, तो दोनों को अगर ऐड किया जाए, दोनों को अगर जोड़े तो क्या हो जाता है? पाई इज प्रोपोर्शनल हो जाता है टी अपॉन वी के। पाई इज प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है?
टी अपॉन वी के, पाई से प्रोपोर्शनल क्या हो जाता है टी अपॉन वी के, वो अवोगाद्रो भी अवोगाद्रो वाला भी ला सकते हैं, चलो वो कोई बात नहीं है। इसका मल्टीप्लाई इधर कर दो, कॉन्स्टेंट ले आओ पहले, पाई इज इक्वल टू एस टी अपॉन वी, एस टी अपॉन वी, ठीक है। और आगे सुनो, v को इधर भेज सकते हैं, पाई v इक्वल टू एस टी, ठीक है। ये जो समीकरण जैसे मैं आदर्श गैस का बता रहा था, ये किसका हो जाएगा, एक मोल गैस के, एक मोल बिलियन के लिए लिख लो, चलो बिलियन में गैस ये भी हो सकता है और सब तरह का बिलियन हो सकता है, एक मोल बिलियन के लिए। अगर पाई v इज इक्वल टू एन एस टी हो, एन एस टी हो तो ये अधिक मोलों के लिए, अधिक मोलों के लिए जितने में मोल होंगे उसका उसमें मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, वो भी किसके, बिले के, वो भी किसके मोल रहेंगे, बिले के मोल रहेंगे। यहां तक सीख गए, और आगे लिखूं इस बात को, अब और लिखते हैं, मोल बराबर क्या बताया था मैंने, मोल बराबर बताया था, मोल बराबर एन बराबर बताया था मैंने, क्या कि दिया गया भार बटे द्रव्यमान, दिया गया भार बटे द्रव्यमान एम, तो इस वाली राशि को यहां भी रख सकते हैं, लिखो तो पाई वी डब्ल्यू, अब वी किसके लिए ले रहे, विलेयता के लिए, बी अपॉन एम बी एस टी, एम बी एस टी, इस आधार पर भी इसको लिखा जा सकता है। ये हो गए, इतने रूल्स तुम्हारे हो सकते हैं, इसको लगा देना, ये मोस्ट है तुम्हारा याद, ठीक है। अब आगे सुनो, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चलो भाई अब तुम्हारी जो सिलेबस की नई बुक है फिलहाल जो चल रही है उसमें एक प्रतिलोम परासरण दे रखा है, क्या दे रखा है, प्रतिलोम परासरण और पानी को साफ करने की विधि, समुद्री जल को, कैसे जल को, समुद्री जल को, लिखो प्रतिलोम परासरण मतलब परासरण दाब का उल्टा, परासरण दाब का उल्टा, परासरण दाब का क्या, उल्टा, कैसे, यदि बिलियनों में, किसमें, बिलियनों में, यदि दो जो बिलियन ले रखे हैं तुम्हारे पास, एक तो समुद्री जल को साफ करेंगे ना इससे, एक में तो समुद्री जल भर रखा है, एक में शुद्ध जल भर रखा है, तो समुद्री जल जो भर रखा है उसका अगर दाब, उसका क्या दाब, परासरण दाब से अधिक हो जाए, यदि दाब का मान परासरण दाब से अधिक हो जाए तो जो कण हैं वो किधर ट्रांसफर होने लगते हैं, उल्टे ट्रांसफर होने लगते हैं, उल्टे ही चलने लग जाते हैं, किससे होते हुए, एस पी एम से, सेमी परमिएबल झिल्ली से होते हुए उल्टे ट्रांसफर होने लग जाते हैं। देखो यदि दिए गए, मार्कर चेंज कर लेते हैं, यदि दिए गए बिलियनों, दिए गए बिलियनों में परासरण दाब, परासरण दाब से बाह्य दाब, दाब अधिक हो जाए, अधिक हो जाए, अधिक हो जाए तो पदार्थों का परिवहन
विपरीत होने लगता है, प्रतिलोम हो जाता है, विपरीत होने लगता है, विपरीत होने लगता है, मतलब विपरीत चलने लग जाते हैं, वो विपरीत हो जाता है। इसे ही प्रतिलोम परासरण कहते हैं। प्रतिलोम परासरण कहते हैं, इसी को क्या बोलता है, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। मतलब जब परासरण दाब का जो जो अब खुद जो दाब लगा रहे हैं, खुद जो बाह्य दाब लगाया जा रहा है, उसका मान अगर परासरण दाब से अधिक हो जाए, तो जो विलयन है, जो ट्रांसफर होने थे, वो विपरीत दिशा में ट्रांसफर होने लग जाते हैं, दूसरी दिशा में ट्रांसफर होने लग जाते हैं। इसे ही क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण कहते हैं। इसी को ही क्या बोलते हैं, प्रतिलोम परासरण। अब प्रतिलोम परासरण का उपयोग पानी के शुद्धिकरण में भी किया जाता है। इसका उपयोग किसमें करते हैं, पानी के शुद्धिकरण। पहले इसको लिखो, फिर बात करेंगे। ठीक है, आगे लिख सकते हैं इसमें, तो शुद्ध विलायक, विलायक विलयन के विलयन से बाहर आने लगता है, विलयन से बाहर आने लगता है और शुद्ध पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। सौ नॉर्मली समझाया जाए तो सुन लो, जैसे ये था, होता क्या है वो सुनो। कल मैंने परासरण दाब तुम्हें बता रहा था, ठीक है, जैसे ये है तुम्हारा, ये तुम्हारा सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ है, तो इधर ए है शुद्ध विलायक, ठीक है, इधर बी है विलयन, क्या है, विलयन। मैंने बताया एक पिस्टन तो यहाँ लगा हुआ है और एक पिस्टन यहाँ लगा हुआ है। अभी ये दोनों पिस्टन क्या हैं, अपनी साम्यावस्था में हैं, एक ही जगह पे हैं, अभी दिक्कत नहीं है, ठीक है। होगा ये कि अगर इसके कण सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से इधर जाने लग जाए, जो पार्टिकल्स हैं वो इससे निकल के इधर ट्रांसफर होने लग जाए, तो पिस्टन कहाँ आएगा, नीचे आएगा। और ये वाला पिस्टन ऊपर जाएगा, ये वाला पिस्टन कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, ठीक है। फिर मैंने बताया था कि अगर इस पिस्टन को दबाएं तुम, बाह्य बल लगाएं, कैसा बल लगाने पर, आउटर फोर्स लगाने पर, बाह्य बल लगाने पर, ये पिस्टन कहाँ जाएगा, नीचे। कितना नीचे जबाना है, जब तक ये दोनों क्या नहीं हो जाए, इक्वल नहीं हो जाए, बराबर नहीं हो जाए, ठीक है। जब ये दोनों बराबर हो गए, तो बराबर वाली स्टेज को बोल रहे थे परासरण दाब, परासरण दाब बोल रहे थे। कब, जब दोनों ही कैसे हो, बराबर हो, दोनों ही कैसे हो, बराबर हो, ये वाला पिस्टन भी और ये वाला पिस्टन भी। अब हुआ ये कि जो तुम नीचे बल लगा रहे थे, उसका मान परासरण दाब से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए, परासरण दाब से भी क्या हो जाए, अधिक हो जाए। तो जो विलयन के कण जो शुद्ध विलायक में, जैसे यहां पानी है, ठीक है, शुद्ध पानी, और यहां भी पानी है और समुद्री पानी भर रखा है, तो समुद्री जल के साथ साल्ट भी होंगे, साल्ट भी पानी है और
साल्ट भी है। तो जो पानी के जो कण थे, शुद्ध विलायक के जो विलयन है, शुद्ध विलायक वाला विलायक से है, उससे जो पानी है वो उल्टा इधर आने लगेगा, उल्टा इधर आने लगेगा जब पिस्टन को परासरण दाब से अधिक दाब पे नीचे की ओर दबाएंगे। तो नीचे की ओर दबाएंगे तो पानी निकल के इधर आएगा, इधर आने लगेगा, इधर पानी आने लगेगा, पिस्टन जाएगा ऊपर, पिस्टन जाएगा ऊपर। और जब उल्टा पानी चलने लग जाए, उल्टा पदार्थ बहने लग जाए, तो उसी को बोलेंगे प्रतिलोम परासरण। उसी को क्या बोला जाएगा? प्रतिलोम परासरण। यह क्रिया भी क्रिया भी एसपीएम द्वारा होती है, एसपीएम द्वारा होती है। यह क्रिया किसके द्वारा होती है? एसपीएम द्वारा होती है। यह क्रिया भी किसके द्वारा होगी? एसपीएम द्वारा होती है। ठीक है, अब एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल मतलब जो खाड़ी देश है, मतलब जहां पानी खारा है, जैसे सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वहां पानी मीठा पानी तो है ही नहीं, बहुत कम मात्रा में है भी तो कम मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ ज्यादा मात्रा में उधर। ठीक है, तो उन वाले जो देश हैं वहां प्रतिलोम परासरण वाली क्रिया से ही समुद्री जल को क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। तो इस विधि का उपयोग, इस विधि का उपयोग समुद्री जल को साफ करने में करते हैं। इसी विधि का उपयोग किस में किया जाता है? समुद्री जल को साफ करने में किया जाता है। इसके लिए एसपीएम सेलुलोज एसीटेट द्वारा बनाई जाती है। सेलुलोज एसीटेट द्वारा बनाई जाती है, जो समुद्री जल से केवल शुद्ध पानी का ही परिवहन कर पाती है। शुद्ध पानी का ही परिवहन कर पाती है और विलयन में मतलब समुद्री जल में, विलयन ही लिख लो तुम तो बोली, विलयन में क्या बचा रहता है? साल्ट रह जाते हैं, लवण व अशुद्धियां रह जाती हैं, अशुद्धियां रह जाती हैं। ठीक है, उतार लिया, लिख लो आराम से, नहीं लिख रहे हैं तो आराम से स्क्रीनशॉट भी लिया जा सकता है। ठीक है, फिर बात करते हैं आगे। ठीक है, हटाऊंगा। तुम्हारी किताब का एक लास्ट टॉपिक रह गया है, अपसामान्य गुण। क्या रह गया है? अपसामान्य गुण, असामान्य गुण, एबनॉर्मल प्रॉपर्टीज, अपसामान्य गुण।
ठीक है। अब सामान्य में छोटा सा टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है, इसके बाद तुम्हारी जो यूनिट है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर अगला चैप्टर स्टार्ट करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, कौन सा स्टार्ट करेंगे? सॉलिड स्टेट। सुनो, अपसामान्य या असामान्य, असामान्य आण्विक द्रव्यमान एबनॉर्मल, एबनॉर्मल एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास क्या होता है वो सुनो। बात ये थी कि अगर कोई भी अणुसंख्यक गुणधर्म, मतलब किसी भी विलेय का अणुसंख्यक गुणधर्म के हिसाब से क्या देखा जाए, अणुभार ज्ञात किया जाए, मतलब कोई विलयन दे रखा, विलेय दे रखा, कोई विलयन में विलेय घुलनशील है, ठीक है, और तुमसे कहा जाए कि अणुसंख्यक गुणधर्मों के आधार पर उसका क्या ज्ञात करो, अणुभार ज्ञात करो, उसका मोलर द्रव्यमान ज्ञात करो, तो मोलर द्रव्यमान जब ज्ञात करेंगे तुम, तो मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते वक्त तुम्हें पता चलेगा कि जो जो सब विलेय है वो तुम्हारा जो विलयन है वो दो चीज़ों का पालन करना चाहिए। कितनी चीज़ों का पालन करना चाहिए? दो चीज़ों का। तो जो दो चीज़ें कौन कौन सी है? पहला है राउल्ट के नियम का, राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। पहला कौन सा है? राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। और दूसरा बात है कि जो विलयन में तुमने जो विलायक गोला है, विलेय जो गोला है, वो ना तो आयनन की क्रिया दिखाना चाहिए, ना ही संगुणित होना चाहिए, और ना ही तुम्हारा वियोजित होना चाहिए। ना तो आयनित होना चाहिए, ना संगुणित होना चाहिए, ये बात ध्यान, ना तो डिसोसिएट होना चाहिए, ना एसोसिएट होना चाहिए, ना तो उसमें घुलना चाहिए, मतलब अलग अलग नहीं टूटे, क्या हो, अलग अलग नहीं टूटे। सुनो, पहला तो ये है राउल्ट के नियम का पालन करना चाहिए। लिखो, बोले लिख सकते हैं, यदि किसी विलयन में विलेय का अणुभार अणुसंख्यक गुण धर्मों के आधार पर करते हैं, के आधार पर करते हैं, तो दो बातों का पालन होना चाहिए। मतलब जो विलयन ले रखा है तुमने, वो क्या बातों का पालन करना चाहिए? दो बातों का पालन करना चाहिए। कौन कौन सी बातें? पहली बात है विलयन राउल्ट के नियम का पालन करें। पहली बात तो ये, राउल्ट के नियम का पालन करें। कौन कौन से में? वाष्पशील में भी और अवाष्पशील में भी, दोनों कंडीशन में, ठीक है। दूसरा है विलयन में विलेय के कण विलेय ना तो आयनित होना चाहिए और ना ही संगुणित
होना चाहिए। इस बात को समझ गए उन्हें। संगणित का मतलब होता है जुड़ जाना, एसोसिएट हो जाना, और आयनित का मतलब होता है टूट जाना, डिसोसिएट हो जाना। एसोसिएट हो जाना और डिसोसिएट हो जाना, मतलब जो विलेय ले रहे हैं तुम। अब जैसे पानी में तुमने NaCl लिया, ठीक है, पानी है तुम्हारा, H2O है, और तुमने पानी में NaCl ले लिया, NaCl ले लिया। पहले तो इसका एक ही मोल था, पहले तो एक ही तो NaCl था, ठीक है, एक ही तो NaCl था। अब जब ये आए तुम पानी में घोल देंगे, किसको, NaCl को। तो NaCl पानी में घुलने पर क्या क्या देता है, Na प्लस प्लस Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस, कितने हो गए, दो मोल हो गए, दो मोल हो गए। बदल गई, बदल गया वो, क्या बदल गया, उसके मोल और जो उसका क्या है अणुसंख्यक गुणधर्म है वो चेंज हो गया, अणु उसके चेंज हो गए। तो अणु चेंज होने नहीं चाहिए। पहले तो जहां तक ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अब बात करते हैं, हटाऊं, यदि विलयन, यदि विलयन में विलायक के कण, विलायक सॉरी विलेय, विलेय के कण संगुणित, संगुणित मतलब एसोसिएट, संगुणित हो जाए, संगुणित या दोनों को एक साथ लिखें, या आयनित हो जाए, आयनित या वियोजित हो जाए, आयनित हो जाए, तो विलयन में, तो विलयन में अणुसंख्यता में, अणु संख्यता में कमी आ जाती है, कमी आ जाती है, या वृद्धि हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, या तो कमी आ जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है, कमी आ जाती है या फिर वृद्धि हो जाती है। इस प्रकार के गुण को असामान्य आणविक द्रव्यमान, अभी समझ में आ गया, थोड़ा चिंता मत करो, आणविक द्रव्यमान कहा जाता है, कहा जाता है। इस तरह के जो गुण है उसको असामान्य आणविक द्रव्यमान कहा जाता है। जैसे अभी समझ में आ रहा है, सुनो, जैसे NaCl और BaCl2 या AlCl2, AlCl2 या कोई और ले सकते हैं, कोई और बड़ा मॉलिक्यूल ले ले सकते हैं, AlCl2 ले लिया, या फिर और कौन सा लेंगे, और Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया, Al2SO4 का होल थ्राइस ले लिया। तो जब इतनी चीजें ली जाती हैं, मतलब ये अलग अलग विलेय हैं, अलग अलग विलेय हैं, तो ये आयनित होकर, आयनित होकर कितने कितने मॉलिक्यूल देंगे, दो तीन, और ये तीन और दो पांच, पांच अणु संख्यता पांच मोल
दिखाता है ऐसा लिख लो बोले। वैसे पहले ही एक एक मोल थे लेकिन क्रिया करने के बाद पांच मोल दिखाएंगे। दिखाता है तो यह क्या प्रदर्श करता है? असामान्य आण्विक द्रव्यमान प्रदर्शित करता है। असामान्य आण्विक द्रव्यमान प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। अब तुम सोच रहे होंगे कि सर ने ये 2, 3, 5 का ही लिखे और वो भी मोल में। इनकी अगर एक एक मोल की मात्रा ली जाए, सुनो कैसे, जैसे NaCl है, ठीक है, एक मोल, इतना मोल ले रखा है NaCl, एक मोल। इसको तुमने पानी में घोला, सबको पानी पानी में घोल के देखेंगे क्योंकि सब कैसे हैं, आयनिक है, सब कैसे कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसको पानी में घोल के देखेंगे तो Na प्लस और प्लस Cl माइनस, एक मोल ये, एक मोल ये, दो मोल हो तो गए, ठीक है। अगर AlCl2 को घोल के देख लें तो एक तो Al प्लस और एक Cl2 माइनस के, कितने मोल हो गए, तीन मोल हो गए, एक मोल ये रहा और दो मोल ये रहे, ठीक है। अब Al2SO4 का उल्ट्रा एस को घोलो तो Al के दो, Al3 प्लस के दो और SO4 के कितने, तीन, SO4 के कितने, तीन, टोटल मोल कितने हो गए, पांच, टोटल मोल कितने हो गए, पांच। तो इस आधार पे आणविक द्रव्यमान आयनित होने के कारण क्या होगा, बढ़ जाएगा। आयनित होंगे तब तो बढ़ेगा, आयनित होंगे जब तो बढ़ेगा, आयनित वाली बात सुन ली। अब पहले इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर संगणित वाली बात बताऊंगा। चलो मिटाओ, इसमें तो आण्विक द्रव्यमान क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तथा आगे लिखो, यदि बेंजीन ब्लैक में एसिटिक अम्ल घोला जाए तो एसिटिक अम्ल के अणु अम्ल के अणु हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ जाते हैं, आपस में संगुणित हो जाते हैं, संगुणित हो जाते हैं। कैसे, कि CH3COOH था, क्या था, CH3COOH था, एस्टिकम के दो अणु। अब इसको बेंजीन में घोल रहे हैं, किसमें घोल रहे हैं, बेंजीन में घोल रहे हैं तो CH3C OH और O और H एक, ऐसे यहाँ C OO या O और यहाँ H, तो यहाँ ये दोनों किसका व्यवहार करते हैं, किसका व्यवहार करेंगे, हाइड्रोजन बंध का व्यवहार करेंगे, हाइड्रोजन बंध की तरह व्यवहार करेंगे। जो असमान आण्विक द्रव्यमान है वो क्या हो जाएगा, इससे जो मात्रा है वो घट जाएगी, द्रव्यमान में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी।